मॉर्निंग, वेलकम बैक टू मैन अदा व्लॉग। आप सभी को मेरे आज के व्लॉग में स्वागत है। तो गाइस, आप सबको पता चल ही चुका होगा कि मैं कहाँ जा रही हूँ। मेरे जो कपड़े देखकर और हमारे पूरे खानदान फौज को देखकर, तो हाँ, हम जा रहे हैं आज पुराण में फिर से। और आज एक कृष्ण जन्म, तो आप सबको मैं दिखाऊंगी, आप सब देखते रहिए। तो ये है मेरे भैया का बेटा, आज भाभी भी आए है पुराण सुनने के लिए, इसलिए मैं लेके आई थी इसको। और ये हम पहुंच चुके हैं, और आते आते ही मतलब पुराण स्टार्ट हो गया था। आज हमारा कुछ देर हो गया था इसीलिए, और लोग इतने ज़्यादा, आज कृष्ण जन्म है इसीलिए शायद इतना ज़्यादा मतलब बैठने का जगह नहीं है। तो आप लोग सुनते रहिए पुराण। मैं अभी आप सबसे बाद में बताऊँगी कि क्या क्या हो रहा है। कृष्ण त्वदीय पद पंकज पंजरान्ते आग्ने ममे विसतुमान नसराजहंसे प्राण प्रयाण समय कफवा पित्ते कंठा नारायणं नमस्कृत्य। तो आप लोग समझ नहीं पा रहे होंगे कि पंडित जी क्या बोले। अभी पंडित जी पहला चैत्र के बारे में बोले, पहला चैत्र का जो झांकी है वो निकलेगा उनके बारे में बोले। आप लोग सुनते रहिए। जसको माथि नारायण को कृपा हुन्छ त्यसलाई कसले के बिगार्न सक्छ र हेर्न सक्छ, तर आफै नै जलेर भस्म भई तर प्रह्लादजीलाई कसम र मस पनि गर्न सकिँदैन। जब भक्तिमा प्रकाशका हुन्छ भगवतमा आज तलाई पनि छोड्ने छैन, तेरो नारायणलाई पनि छोड्ने छैन, कहाँ छ नारायण, कहाँ छ नारायण। प्रह्लादजीले भन्नुहुन्छ यत्र तत्र प्रह्लादजीको हातमा समातेका के यो खम्बामा भगवान छन्, यसो प्रह्लादजीले खम्बामा हेर्नुहुन्छ, प्रह्लादजीले त्यो खम्बामा हेरेर देख्न पाउनुहुन्छ कि एउटा कमीलाई हेरिरहेको देख्नुहुन्छ। ओहो, मेरा गुरुदेव नारायणले भन्नुभएको थियो प्रत्येक जीवमा प्रभुको वास छ, यो खम्बामा पनि मेरो नारायण हुनुहुन्छ, यो खम्बामा दिन हो कि रात हो, अहिले यो महिना के चल्दैछ, पुरुषोत्तम मास चल्दैछ, धन मलाई ब्रह्माजीले सृष्टि गरेको हो कि होइन, भन त माटोमा बसेको छस् कि माथि छस्, त मेरो काखमा छ भनेर आज नृसिंह भगवानले जसरी नै पेटमा हात दिनुहुन्छ र समस्त पेटलाई चिरेर आन्द्रालाई आफ्नो शिरमा आफ्नो गलामा लगाउनुहुन्छ र आज खुम्खार रूपमा भन्नुहुन्छ अरू को छ आऊ, अरू को छ आऊ, को छ आऊ, को छ आऊ। आफ्नो हातले जब प्रह्लादलाई उठाउनुहुन्छ भन्नुहुन्छ भन्नुहुन्छ बाबु म आउन बडो विलम्ब भयो, मलाई क्षमा गरिदिनु, म आउन बडो विलम्ब भयो। प्रह्लादजीले भन्नुहुन्छ हे प्रभु, म जातिको असुरकुलको बच्चा हो, म के स्तुति गरौँ हजुरको, किनभने ब्रह्मा दया सुरगणा। तो अभी पहला चरित्र का जो झांकी था वो भी हो चुका है, अभी कृष्ण जन्म का दिखाएंगे। तो यहाँ पे लोग देखिए, आज कितने सारे लोग आए हैं, मतलब बैठने का जगह भी नहीं है, और मतलब भक्ति इतना ज़्यादा है ना, मतलब लोगों का पुराणों में, मतलब मुझे तो बहुत ही अच्छा लगता है, लोग पुराण सुनते ही सारे लोग आ जाते हैं, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। आप लोग भी जरूर जाना अगर ऐसे भागवत पुराण कहीं पे हो तो। ईश्वर को नाम हो अमृत बराबर, ईश्वर को नाम हो अमृत बराबर, मलाई
स्पर्श गर्ने बित्तिकै सबै खोलिन्छ। एउटा चीज भनौ, एकपल्ट भन्नुहोस् न राधिरा, कंसको हो पाप हो र कृष्णको हो कृष्ण भनेको भगवान। जहाँ हामीले भगवानको भगवानलाई लिन्छौँ आफ्नो साथमा, ध्यान दिनु, वसुदेवजीले भगवानलाई लिने बित्तिकै कंसका पहरेदार सुते सुस्वागतम शरणागतम कृष्ण, स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्ण, स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्ण, स्वागतम कृष्ण कृष्ण
का जन्म था आज का जो चौथा दिन का पुराण था वो यहीं पे समाप्त हो रहा है। तो अभी आरती हो रहा है, आरती के बाद प्रसाद लेंगे सारे लोग भंडारा में जो बनाए वो खाएंगे, उसके बाद फिर आज के लिए विश्राम, फिर शाम में होगा मतलब जो कीर्तन होगा शाम में, वो तो मैं यहाँ पे नहीं रहूँगी। लेकिन ये आज का जो दिन का है वो अभी प्रसंग ख़त्म हो गया, अभी विश्राम दिया है पंडित जी, भी खाना खाएंगे सारे लोग जो भी आए हैं, सारे लोग जो भंडारा में जो खाना बनाया जो प्रसाद है वो लेंगे, उसके बाद फिर चले जाएंगे। तो फिर हम लोग खाना खाने आ गए थे क्योंकि दिन में भी कुछ नहीं खाया था क्योंकि खाली पेट ही आए थे, रोज़ पूजा करना पड़ता है इसीलिए। तो अभी हम खा लेते हैं, क्या देते हैं यहाँ पे भंडारा में क्या बना है। अच्छा वह बहुत ही मज़े किए, बहुत डांस किया, और हाँ अभी पहुँचे घर अभी जस्ट। तो आप सबको एक बात बताना भूली गई थी मैं कि आज है भागवत का चौथा दिन और आज किसना जन्म था, उसके बाद पहला का जो प्रसंग था पहला चरित्र वो दिखाया, उसका थोड़ा सा झांकी बनाया था, उसके बाद फिर किसना जन्म दिखाया, और किसना जन्म के बाद जो डांस किया था हम लोगों ने इतना अच्छा लगा, मतलब वहाँ से आने का मन ही नहीं करता है लेकिन क्या करें आना तो पड़ेगा ही। तो आप सब मुझे ज़रूर बताइएगा कि आज का जो मेरा भागवत का व्लॉग है कैसा लगा आप सबको, और सॉरी बहुत लोग नहीं समझते होंगे लेकिन इतना तो आप लोग समझ ही चुके होंगे कि भागवत का जो पार्ट है जो भगवान का जो झांकी वो तो आप सबको समझ में आता ही है, तो आप सब वो समझ सकते हो। तो आशा करती हूँ आप सबको भी अच्छा लग रहा होगा, अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और मैं फिर आप सबसे मिलती हूँ दूसरे भागवत ब्लॉग में। 7 दिन का है तो आज चौथा दिन है, थोड़ा थोड़ा सा मैं आप सबको दिखाने की कोशिश कर रही हूँ कि क्या हो रहा है, क्या है, किस किस का झांकी बन रहा है, ये सब बस थोड़ा थोड़ा दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। सब कुछ 7 दिन में तो नहीं दिखा सकती क्योंकि सब तो एक ही होता है, पूजा एक ही होता है, बस प्रसंग अलग अलग होता है। तो आशा करती हूँ आप सबको बहुत अच्छा लग रहा होगा, अगर अच्छा लगे तो फिर से बोल रही हूँ लाइक शेयर कमेंट कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आज के लिए इतना ही, मैं फिर मिलती हूँ दूसरे ब्लॉग में, बाय।